हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजू सिसोदिया। एंड गाइस, आज हम फिर से जा रहे हैं पानीपत। भाई हमारा जो भाई है पंकज, उसके साथ लिटरली बहुत गलत हुआ और इंसाफ मिलने के दूर दूर तक चांसेस दिख नहीं रहे। अभी जब हम परसों गए, कल मैं घर वापस आ गया। वैसे तो मैं रुकने वाला था पानीपत ही, बट आज फिर से जा रहा हूँ क्योंकि कल मेरा खुद का बहुत अर्जेंट काम था। तो हुआ ये है, शॉर्ट में बता दूँ। बहुत सारे भाई कह रहे हैं भाई को क्यों पीटा है, किसने पीटा है। तो भाई ने लगाए एक जिम में पैसे, सोशल मीडिया के थ्रू एक फेस बन गया। इसके दो चार दोस्तों ने कहा कि फेस तू रहेगा जिम का, कि तेरा जिम में 2-3 लाख रुपए लगा दे। लड़का टेलर है ये, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया। 2-2.5 लाख रुपए इसने जैसे तैसे जोड़े, उनको दिए, उन्होंने कुछ पैसे डाल के जिम बनाया। जिम में जब इसकी शक्ल देख के लोग आने लगे कि हमें पंकज भाई के जिम में जिम करना है, पंकज भाई के साथ वर्कआउट करना है, तो जब जिम के अंदर मेंबर ज़्यादा बढ़ गए तो वो जो 2 लाख का कट था ना, कुछ परसेंटेज इसको मिलने लगा। तो उनको ऐसे लगा लड़कों को कि अब शायद हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे पैसे क्यों दें। तो लड़ाई झगड़ा हुआ, इसको डांट डूट के जिम से भगा दिया, पैसों की बेईमानी कर ली। और फिर इसने ये चीज़ सोशल मीडिया पे बोल दी कि मेरे जो पार्टनर थे या मेरे जो गुरु थे या मेरे जो दोस्त थे, उन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो उस चीज़ की खुन्नस निकालने के लिए इसको बहुत ज़्यादा मारा गया। और भाई वो वीडियो थाने के अंदर है, किसी सीसीटीवी कैमरे की वीडियो है, जो आप लोगों ने देखी नहीं है। मतलब हमें आईओ साहब ने दिखाई थी जब हम परसों गए, मैं और रुगल भाई थाने में, हम वीडियो देख के आए हैं। वो मतलब वो लाठियाँ ना, बीच में पंकज लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, और उसको चार लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से डंडे से मार रहे हैं। और कमाल की बात ये है, जिन चार लोगों ने पंकज को मारा है, वो चार लोगों के नाम पंकज ने FIR में दिए हुए हैं। उन चार लोगों को ना पकड़ के पुलिस ने अलग चार लोगों को पकड़ा हुआ है। पंकज को बुलाया तो पंकज ने बोला ये वो चार लड़के हैं ही नहीं जिन्होंने मुझे मारा है। वो चार लड़के पंकज से कह रहे हैं भाई ठीक से देख, हम ही ने तो तुझे मारा था। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपसे मेरा झगड़ा हुआ है और आपको पुलिस ने पकड़ लिया, और मैं बोलूं आपने मुझे नहीं मारा, तो आप बोलोगे कि अरे ठीक से देख मैं नहीं मारा था। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, उसके सर में चोट लगी है। वो मर सकता था बंदा, लेकिन धाराएं ऐसे लगाई हुई हैं नॉर्मल मारपीट की, थप्पड़ चांटे की, लात घूसे की। तो उन अंदर जाने वालों को भी डर नहीं लग रहा कि हम अंदर जाएंगे तो 5 दिन में 7 दिन में बाहर आ जाएंगे। और वो देखने में भी प्रोफेशनल वो लग रहे थे कि हाँ अंदर बाहर का उनका बहुत नॉर्मल काम है। तो भाई सपोर्ट के नाम पे जितना हमसे बन पा रहा है, मैं फिर से जा रहा हूँ, रूबल भाई भी जा रहे हैं, और जैसे बनेगा जो बनेगा, फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जितनी बार जाना पड़ेगा उतनी बार जाऊँगा। भाई हेल्प कर रहा हूँ भाई की, क्योंकि जैसे मैंने बोला भाई अब हाथ पकड़ा है तो पूरा पकड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों ने कहा हम भी आएंगे, कोई नहीं गया उसके पास। भाई अपने भाग जाते हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर और दोस्त तो बहुत दूर की बात है, कोई नहीं जाता, किसी कोई हेल्प नहीं करता। बट आप लोगों का प्यार है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि आप लोगों ने मेरी ऐसे टाइम पे हेल्प की थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कर देना चाहिए। तो पहला स्टेप मैंने जो लिया है पंकज के लिए वो ये लिया है कि अथॉरिटी डॉक्टर्स चॉइस की मेरे हाथ में इतनी है कि जिस भी एथलीट को या जिस भी इन्फ्लुएंसर को मैं चाहूँ डॉक्टर्स चॉइस के अंदर डाल सकता हूँ। अभी उसका 1.5 महीने का एग्रीमेंट किसी ब्रांड के साथ रह रहा है जो कि बहुत कम पैसे दे रहा था उसे, तो डॉक्टर चॉइस में मैं उसको साइन करवा रहा हूँ एज एन एथलीट, एज एन इन्फ्लुएंसर। तो थोड़ा पैसा उसको बढ़ के मिलेगा, बड़ा ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, इंडिया के अंदर काफ़ी नोइंग ब्रांड है डॉक्टर्स चॉइस, तो उसका वो एथलीट बन जाएगा, तो वहाँ से उसको सपोर्ट मिल जाएगी, थोड़ा सा फेम भी मिलेगा, थोड़ा सा पैसा भी मिलेगा। तो ये चीज़ मेरी तरफ से उसके लिए है कि इंसाफ तो देखो जब मिलेगा मिलता रहेगा, लेकिन कुछ उसके लिए मैं उसकी फैमिली के लिए ऐसा कर दूँ कि 4 पैसे उसके हाथ में आए और वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ कर पाए। दूसरी चीज़, एक भाई मिला, फैन था हमारा कोई, वो वहाँ पे कह रहा भैया आप कल भी आओगे, मैंने कल तो नहीं आऊँ, कल मेरी कोर्ट बता रही है, कह रहा परसों आओगे, मैंने कहाँ परसों आऊँगा, कह रहा भैया डॉक्टर चॉइस का एक बल्किंग मेरे लिए ले आना, बहुत सुख खासा। तो जितने भी हमारे भाई हैं सूखे पतले जिनका वेट नहीं बढ़ता, भूख नहीं लगती, वो डॉक्टर चॉइस का बल्किंग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, जाके बाय कर लेना। इसके अंदर 60 ग्राम प्योर प्रोटीन आपको मिल जाता है। कई भाइयों ने पूछा कि 60 ग्राम प्रोटीन एक सर्विंग में कैसे मिल जाएगा, 3 स्कूप की एक सर्विंग है तब जाके 60 ग्राम मिलेगा। 3 ग्राम क्रिएटिन, 5 ग्राम एल्ग्लूटामाइन, 2 ग्राम MCT ऑयल। MCT ऑयल क्या है, जिस जो आपको भूख लगने में हेल्प करता है आपकी, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, वेट नहीं बढ़ता, खाना कम खाते हैं, भूख ही नहीं लग रही तो खाओगे कहाँ से, तो उनकी हेल्प करेगा MCT ऑयल भूख बढ़ने में, भूख लगेगी तो खाना ज़्यादा खाओगे। 1346 कैलोरीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी, 252 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसे आप रोटी चावल खा रहे हो तो उसके अंदर आपको 100 ग्राम 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। अगर आपकी डाइट इतनी नहीं, आपको उतनी भूख नहीं लग रही है, तो इसकी एक स्कूप आप डाल के पी लो, आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं डायरेक्ट पहले नरेला, रूबल भाई को उठाएंगे, फिर जाएंगे पंकज के पास, फिर जाएंगे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जो भी बात बनती है आईओ साहब से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस बच्चे की सुनो, गरीब है, और जो धारा आपने लगाई है वो गलत लगाई है, नॉर्मल थप्पड़ चाटे की धारा लगाई है। अगर सामने वाली पार्टी को जेल भी होती है तो 10-5 दिन में वो बाहर आ जाएंगे, फिर इसको तंग करेंगे, तो एटलीस्ट उनको सबक मिलना चाहिए।
तो भाई सारी बात खत्म करके वहीं बात करेंगे, पहले रूबल भाई को उठा ले, उसके बाद चलते हैं सीधे पानीपत, पानीपत चल के मिलते हैं लचको। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ सारे भाइयों से, देखो हमारे देश में गरीब होना सबसे बड़ा पाप है, कि आपके साथ गलत भी हुआ है ना और आपको किसी के ऊपर केस भी करना है तो भी उसमें पैसे लगते हैं यार, और इसी चीज का फायदा उठा के जो गलत करने वाले लोग हैं उनको ये पता सामने वाले के पास पैसा है नहीं, ये खर्चेगा कहाँ से, तो उस चक्कर में गलत कर देते हैं। और फिर यार सिस्टम वैसे ही है, मतलब सामने वाला कुछ कर नहीं पाता, धीरे धीरे उसको दबा के दबाई देते हैं, फिर वो सामने वाला इंसान जिसके साथ गलत हुआ होता है वो डर के थक के कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा साथ कोई नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं, मैं कहाँ से कोर्ट जाऊंगा, कहाँ से वकील लाऊंगा। तो इस चक्कर में ना भाई बहुत सारे लोग हर दिन इसी तरह से टॉर्चर हो रहे हैं, कितने सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं इस चक्कर में कि हमारे साथ एक तो गलत हुआ है, ऊपर से हमें टॉर्चर किया जा रहा है, ऊपर से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं भाई प्लीज, इसीलिए कहता हूँ सबसे पहले जेब का ध्यान दो, बाकी सारी चीजें बाद में, सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करो, अपनी फैमिली को स्टेबल करो, ठीक है, सारी चीजें बाद में हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि आप सबको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे के कम से कम अपनी पॉकेट इतनी स्ट्रांग कर लेनी है कि हारी बीमारी कोई भी आपदा आती है तो उसके लिए आप मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली रेडी रहो लड़ने के लिए। वैसे तो भगवान किसी के साथ ऐसा कुछ करे ही ना, लेकिन होता है तो आप एटलीस्ट कैपेबल हो उस चीज के, यही मेरा कहना है यार। तो अभी भाई आधा घंटा हो गया चले हुए, अब चलते हैं फटाफट, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई नरेला पहुंच गए, रूबल भाई को हमने पिक कर लिया। यो ब्रो, मैंने की ऐसा अकेले की बात नहीं है, उस लड़के की मदद करनी बहुत जरूरी है। अकेला नहीं, मैंने की अगर कुटन लगा तो अकेला दोनों बेटे हैं। थोड़ा शेयरिंग हो जाएगा उसमें भी, शेयरिंग हो जाएगा, जैसे मुझ में 100 घूसे पड़ने वाले हो तो 50 पचास ले लेंगे। अरे एक आदन हो यू तगड़ा है इसके बाल दे, ये तगड़ा है इसके बाल दे। हाँ तो हम तैयार है भैया फिटने में भी और लाठा बजाने। तो हम दोनों भाई भी जोड़ी ऐसी है ना, तो हम फिटनेस डरते हैं ना पीटने से डरते हैं। ये मैं तो जेन्युइन काम में, मैं तो इसकी तरह पंकज की तरह पिटाऊं बोले ना, सेम यार, पर मैं दूसरे के ऊपर ही पिटाऊं, अपने ऊपर कभी नहीं पिटाऊं। मैं भी दूसरे के ऊपर, सारे दोस्त भगे मेरे, राजा बाजा मुझे छोड़ गए और मुझ में बजा भैया लठ, ईंट बजी मुझ में लठ भाई, हम बजे थे हथौड़े, वो वाले हथौड़े ना जिससे पत्थर फोड़े है। अच्छा वो हथौड़े, हथौड़े बजे थे, हथौड़े पैर में, सर में। कॉलेज में 2013 की बात भाई, एक लड़का मतलब बहुत तगड़ी बिल्डिंग बिठाई हमारी, तो हमने जाकर बजाना शुरू कर दिया, हम थे 8-9 लोग और उधर थे 20-25। तो भाई जब उन्होंने हमें दिखा ना 20-25 है, तो मेरे साथ वाले सारे भाग गए, उन्होंने क्या करा 6-7 लड़के तो आगे बिठा रखे, दीवार के पीछे बिठा रखे बाकी, तो ये शेर बन गए सारे, बन गए हम तो 8-9 है, ये 6 तो है, 2 गुराजवीर गिर लेगा बाकी एक पम हो जाएंगे, कर दो काम। अच्छा उनमें बजाना शुरू करा, पीछे से आवाज आई अनारकली का माल लिया, अनारकली का माल लिया, एकदम टूट के पड़े वो सारे, जब वो टूट के पड़े तो वो हो गए 25-30, हम रह गए 7-8, सारे भाग गए, मैं रह गया अकेला। मैंने कहा ठाकुर साहब भागेंगे थोड़ी, मैं नहीं भागूंगा। फिर मुझे उस दिन पता लगा, हमारे बड़े भाई साहब ने समझाया कि भागना जरूरी, भागने वाला समझदार होता है, टूटने वाला गांडू होता है। तो मैंने कहा अरे ऐसा होता है, मैं मुझे नहीं पता थी। फिर जो बजी मुझ में ईंटे चारों तरफ से, मेरे सर में कमर में सब जगह गड्ढे कर दिया, आराम जाते दिन पता लगा कि भागना है भाई, समय पे निकल लेना, पहले मारना और समय और से मैं आज भी इसी वीडियो में भी कह रहा हूँ, कभी ऐसी नौबत आई तो मैं भाग जाऊंगा, कभी आगे फ्यूचर में हो सके ना कुछ भी तो मैं भागूंगा भैया, कभी कभी ऐसा टाइम आया भाई। हुआ देख सुन बताऊँ क्या हुआ, तो एक लड़के ने मतलब दोस्त ने बोला भाई, उसे फोन करा ऐसे जिम में होता नहीं है, पहले हमारे पिताजी मना रहे थे जिम में नहीं जाना भाई, जिम तो लड़ाई का घर है। तो एक बार ऐसे मेरे पापा कह रहे, ऐसे एक बार फोन आया उसके पास, कोच के पास ही, उसे गाली बक दी, अरे तू क्या कह रहा मेरे बारे में, कोच कह रहा, उसने दीदी माँ बहनी गाड़ी ये कह रहा, मगर रुक अभी आया। तो भाई उसने बोला मैं वर्कआउट करा, रुबल चल एक बार, मैं बैठ लिया पीछे। अब उसने पहुंच के 2-4 घंटे पहले, अब उसने तो पहले फील्डिंग लगा रखी, 15-20 आदमी लेगा, कोई इधर सरिया लेके निकल रहा, कोई हथौड़ा लेके निकल रहा, भाई साहब जो चोर माली वाली मार मारी ना, चोरों की तरह तह लटे तह थोड़े, एक यहाँ लगा यहाँ लगा, एक लिमिट के बाद मैं छोड़ दिया, मैं तो भगा हट गया। और वो जिनकी आपस में लड़ाई थी भाई, वो तो प्रॉपर सेट कर दिया 6 महीने के नाम का। तो कभी कभी समय से निकलना, भाग जाना चाहिए, गांडू बना नहीं होता, समझदारी होती है, समझदारी होती है। अब 25 आदमी में क्या कर लेगा पिट के, सही बात है, पिट के कोई शेर थोड़ी बन जाएगा। तो मैं पंकज वाले मैटर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आगे जैसा मार दो तू तो मैं होती रहना किसी ना किसी से, कभी ऐसा लगा कि खुशी ना हमें घेर लिया तो हम तो भाई भागने में समझदारी समझेंगे। कभी जिंदगी में आगे ऐसा कभी काम हो तो आज ही नोट कर लेना कि हमने तो पहले ही ये बात किया, ये वाली वीडियो सेव कर दी, हमने तो ये पहले ही कहती है बात, पहले उस दिन कह दी थी, मौके पर भाग गया भैया, पिटना समझदारी ना भगना समझदारी। और तुम्हें भी समझा रहा हूँ जितने भाई देख रहे हैं, कभी ऐसा लगे ये तुम्हारे हाथ से बाहर गई,
तुम्हारे हाथ से बाहर गई है तो नहीं की बहन जो एक अरे एक दो खड़े हैं तीन खड़े हैं तुम जब गांड की दिखा लो जब नहीं तब नहीं जब तुम्हारे हाथ से बाहर चली गई वह 25 आदमी है तो क्या ही कर लेगा एक आदमी पिट के भी कोई समझदारी नहीं है वहाँ मर्द मत अभी तो गए हैं रनिंग करनी बहुत जरूरी है कार्डियो करना कार्डियो बहुत जरूरी है ठीक है भाई अब चल के पंकज भाई से मिले हमारे देखे कहाँ तक पहुंची इनको है थोड़ा सा मिल लिया है रुबल भाई हमारे लिए भूख लग रही थी भूखे प्यासे भागे फिर रहे यार देख लो खाना भी ना खा रहे हैं तो मेरा भी ये रखा और मैं ऐसा हूँ जो वेट जो आने वाला आदमी होता है ना वो दुखी ना होता वेट करने वाला दुखी हो गया मैं बाहर ही खड़ा हूँ जबका तो भाई मील बनवा के लिया चलती गाड़ी में मील खाएंगे तो भैया भूखे प्यासे एक रुपए का फायदा ना फिर भी कर रहे हैं तो तुमको भी सिखा रहे हैं जहाँ कर सकते हो मदद करो कोई दिक्कत नहीं और भाई किसी को और भाई को भी जरूरत हो जेन्युइन चीजों में तो डीएम कर देना कमेंट कर देना खड़े हमेशा 3 hours later कितनी देर से निकले थे हम निकले थे 12 बजे 12:30 नहीं 1 बजे निकले थे ईमानदारी के इतना जाम मिला 5 घंटे मुझे आने आने में लगे उसके बाद एक पड़ी लकड़ी और ले ली एक शूट था हमारा एक ब्रांड के साथ उनका फोन आ गया तो भैया 11 बजे फ्री हो जाओगे मैंने अभी तक 11 बजे जान से फ्री मतलब ही नहीं है तो वो गाजियाबाद में शूट होना था लेकिन मैंने उनको टीम को बोल दिया भैया रूबल भाई के जिम में आ जाओ नरेला तो अब पहले यहाँ टूट रहा शरीर मेरा नींद आ रही है गाड़ी चलाते चलाते अब पंकज को फोन किया मेरा भाई थाने पैदा डायरेक्ट घर तो नहीं मैं आ पाऊंगा अंदर क्योंकि बहुत अंदर गलियों में जाके घर है उसका मेरे जो काम है फटाफट यही निपटा लेते आजा 6 घंटे हुए और भाई भूख भी लग रही है दोबारा नींद भी आ रही है पर भाई का काम पहले जरूरी है क्योंकि उसके ना जितनी चोट दर्द बहुत है दर्द भी है और उसके फिर उतने उसका दिल भी दुखा हुआ है कि यार मेरे एक तो चोट लग गई कोई हेल्प नहीं कर रहा कोई हेल्प नहीं कर रहा तो वो चीज देखी नहीं जा रही है हम भाई देखो दिन में निकले थे उजाले में और अंधेरा हो रहा है मैं भी तो ये वाला कट कर रहा हूं अरे भाई रहने दो तुम काम होटल मैनेजमेंट घुसवा दिए भाई ऊपर से GPS साला कभी कहीं ले जा रहा कभी 25 तारीख को मेरे साथ एक वारदात हुई थी जी हमला मेरे ऊपर अटैक करा था 5 लोगों ने हाँ जी तो उसके बाद है ना जी मैं चौकी के धक्के खा रहा हूँ जी कोई कार्रवाई वगैरह मुझे नजर नहीं आ रही कहीं से भी मैं SP सर के सामने भी गया था पेश हुआ था आपसे मिलने का है ना मतलब आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी मैं कई बार चौकी में आके चला गया यहाँ से मैं तो आपसे मुलाकात भी नहीं हो पाई एक बार भी और कार्रवाई बिल्कुल ही नहीं हो रही मैम आ रहा हूँ मैम कब आऊँ मैम आपसे मिलने कब आऊँ अच्छा ठीक है मैम भाई इसके स्ट्रगल इसके इंसाफ के लिए भैया इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा हमें भी कि बस क्या बताएं अब SHO मैडम की बात से ना मुझे थोड़ी कोऑपरेटिव लगी हाँ बढ़िया लगी क्योंकि जो यहाँ तो मुझे ऐसा कोऑपरेशन दिखानी परसों भी आ गया बहुत स्वीटली बात एक बात बताइए मुझे जानता है अभी हाँ। तो ये इसकी बोलने के तरीके ऐसे नहीं लगा जब आप होता है और बहुत बड़ा अफसर हो ये लड़का भी अंदर मिला अब मैं क्या बोलूँ कैमरे पे पुलिस वाले के लिए बोलते यार जो जेन्युइन बात है SHO मैडम ने प्यार से बात करी बहुत प्यार से लगा ना पोलाइट है इतनी बड़ी पोस्ट उतना पोलाइट ऑफिसर और ये सिपाही था मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ और ऐसा नहीं है सिपाही भी बहुत सारे मैंने देखे हैं जो पोलाइट होते हैं बहुत ज्यादा मेरे जैसे तुम्हारे जैसे भी हमारे भाटी जी जैसे भी A few moments later पंकज कह रहा है इंसाफ तो जैसे तुम्हारे ठीक है वो जी ने खिलाना और पड़ा है पंकज इधर आओ इधर आओ इधर आओ तुम आ तो सही मेरे बहुत सारे भाई आ रहे थे आए नहीं वो कल वो वाले भैया आए परसों वो वाले भैया आ रहे हैं और उनसे एक बात हो गई ना, कोई नहीं आया कोई नहीं आया कोई नहीं आया कोई नहीं आया ना अरे ले लो आप भी ना भी सबका दिन राजवीर भैया जी से और रुबल भैया जी से थोड़े होता है यार 5 घंटे लगे कहने को तो सारे कह दिया कर रहे हैं कि हाँ मैं आऊंगा जब आने की बारी आती है तो सब टांग ऐसे उठा के भाई मेरे पास तो मीटिंग थी टांग उठा के सही बात है सही मैं सब टांग उठा के उनको भाई थोड़ा बिजी था पर्सनली टाइम कोई नहीं दिया करता भाई मैं तो इसी से खुश हूँ बाकी जो कार्रवाई चल रही हो तो चलती रहेगी कार्रवाई तेरी पूरी होकर रहेगी उससे देवी का सही बता कर सकते हो बोलने में भाई और क्या कर सकते हैं हम पूरा प्रॉपर प्रॉपर बोला भैया इतना तो मैं बोल भी रहा था SHO मैडम से मीटिंग हुई रूबल भाई ने खूब किसी ने भी रूबल भाई ने भी खूब अच्छी तरह पॉइंट रखे इसके उनके भी जोन में आई उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट करा उन्होंने कहा मंडे को जिनको तू पहचान के बोलेगा इसे कल बुलाया कह रही है मंडे को जिनको तू बोलेगा नाम से उन्हें उठा के जूते मारते हुए लाऊंगी जिन्होंने तुझको हाथ उठाया और तेरे सामने एक रात हवालात में मंदिर रखूंगी फिर जिंदगी तो भाई SHO मैडम ने बहुत कोऑपरेट करा अब थोड़ा सा बनाना शेक और अभी तो खा के जाना आज खाना ऐसे नहीं जाना पिछली बार भी खा चले गए थे साइड में मर्जी ले चल लो कोई दिक्कत ही नहीं कौन है।
भाई भाई ने इतनी तारीफ करी, चाय ऐसी पिलाऊं ऐसी पिलाऊं, अरे लड़ा चील का मुंह पिला दिया होगा। चील तो चाय की पत्ती पत्ती है, कुछ चील का मुंह तो फिर भी स्वाद बनाने वाला बन गया हूं मैं। नहीं बन भाई है, बिल्कुल भी नहीं है, छोटा कर दे बिल्कुल मुश्किल मुश्किल हमें शांत करा भैया, शांत हो जा, बात कर ले, प्यार से बात करेगा रहे पुलिस से। लोंडा सेलिब्रिटी हो रहा हमारा, देख फैन मूवमेंट चल रहा है पंकज के साथ, जब से इसकी टांट खुली है ना भाई लोंडा डिमांड में तो आया, मानो मत मानो मार्केट में है, है ना मार्केट में है। तो भाई खाना वाना खा के सेट हो गए और एज ऑलवेज ओवर ईटिंग कर लिए, जो सरदार जी दिख रहे हैं ना ये मूंछों वाले, इन्होंने खाना बहुत स्वाद खिला और बहुत ज्यादा खिला दिया। तो अब हम लेट्स सी पंकज के पास कब आते हैं। मंडे का हमें वादा करा है यहाँ की जो SHO है उन्होंने कि मंडे तक इसका जिनसे इसे प्रॉब्लम है जिन्होंने करवाया या करा है मंडे तक, बोला क्या नाम था उनका SHO का, रेखा मैम, रेखा मैम जो है मॉडल टाउन थाने में, बहुत अच्छा बिहेवियर था और बहुत कोऑपरेटिव बिहेवियर था, उन्होंने वादा किया और हमें आश्वासन दिया है कि मंडे तक जिन लोगों ने इसके ऊपर अटैक करा है उनको उठा लिया जाएगा। चोट देख ले हम इसकी, दिखा हाथ, ये बहुत चोट लगी है, अभी जिम मत जाइए साथ से, ना अभी जिम मत जाइए, हाथ में चोट है, यहाँ पैर का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, इसे चला नहीं जा रहा मेरे को, यहाँ जिनको ये मना करेगा कि इन्होंने मेरे ऊपर अटैक नहीं करा उनको छोड़ दिया जाएगा, और जिनको ये बोलेगा जिनके इसने नाम दिए उनको डाले जाएगा। तो भैया इंसाफ जैसे कहते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है कानूनी काम में, लेकिन मिल जाता है। तो भाई हमारे भाई को थोड़ा सा प्यार करो, सपोर्ट करो, और जैसे मैंने बताया डॉक्टर सुरेश में मैंने इसकी बात कर ली, सेटिंग करा दी, तैयार है भाई, भैया ठीक है। तो भाई उधर से थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, इधर से भी अगर दोबारा आना पड़ा तो दोबारा आएंगे। और पंकज बड़ा नाराज है ऐसे लोगों से, कह रहा भाई मुझे कुछ भाइयों ने वादा करा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कि हम आएंगे तुझसे मिलने, तेरे सपोर्ट में ये करेंगे वो करेंगे, और उनको नंबर भी लिया, उन्होंने कमेंट भी करे, स्टोरियां भी डाली, और ये भी बोला कि हम आएंगे तेरे लिए कर देंगे, जैसे कहेगा वैसे कर देंगे, और आए नहीं। हाँ, तो ठीक है, वो भाई पंकज का कंसर्न है, जिनसे नाराजगी है वो अपने इंस्टाग्राम पे निकाले, यूट्यूब पे निकाले, कोई लेना देना नहीं। तो थैंक यू सो मच सारे भाइयों को, और बहुत सारा प्यार पंकज को, बहुत सारा सपोर्ट, और पंकज की जितनी भी टीम है उनको बहुत सारा प्यार। मिले नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं है पंकज की टक्कर में। बढ़िया बढ़िया वर्कआउट कर, खाना पीना खा, बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत रिकवरी करेंगे।